दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वापस तिहाड़ जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी, जो कि शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरे होने के साथ साथ खत्म हो गई। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। केजरीवाल ने आत्मसमर्पण करने से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राजनीतिक मामलों को लेकर समिति की बैठक की थी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री आतिशी, संजय सिंह, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई आम आदमी पार्टी नेता शामिल हुए। बता दें, केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर 1 जून को सुनवाई हुई। स्पेशल जज कावरी बवेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वो अपना मेडिकल टेस्ट करवा सके। हालांकि ईडी ने उनकी अपील का विरोध किया। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका 1 किलो वजन बढ़ा है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका 7 किलो वजन कम हो गया। कोर्ट में ईडी का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल इतने दिनों से जेल से बाहर हैं, तब उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया? मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय वो यात्रा कर रहे थे, जबकि मेडिकल टेस्ट में 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता। वहीं केजरीवाल ने कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केजरीवाल को आज 2 जून को ही तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। वहीं केजरीवाल ने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने आज एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। दिल्ली सीएम ने बताया कि वो तिहाड़ जाने से पहले आज दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलेंगे। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, फिर कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। केजरीवाल हनुमान मंदिर के बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाएंगे, वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसके बाद तिहाड़ के लिए रवाना होंगे। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।